मुकद्दस मौका है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है और कैप्टन सरकार ने तंदुरुस्त पंजाब प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका आधार गुरुओं पीरों पैगंबरों की वाणी पे है, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। और आज हमने नुकसान की भरपाई करने की कोशिश की है। कैप्टन साहब का आदेश था कि कुछ ऐसा किया जाए कि द फेथ पीपल शुड बी रिस्टोर्ड और जितना भी नुकसान हुआ है उसकी रिहैबिलिटेशन होनी चाहिए। डीसी साहब ने पहले ही मुझे अवगत करा दिया था और इन्होंने एक बहुत बढ़िया स्कीम लॉन्च की थी एनजीओस को इन्वॉल्व करके, लाइक माइंडेड पीपल को इन्वॉल्व करके, उसका नाम है जीवे पंजाब। सो हमारे लिए तो ये दोहरी ताकत वाली पॉलिसी आज यहां पे लॉन्च हुई है। मैं आपको एक फिल्म दिखाना चाहता हूं, आज सबको एक फिल्म दिखाना चाहता हूं जिसने मुझे प्रेरित किया और ये फिल्म मुझे डिप्टी कमिश्नर अमृतसर ने भेजी थी। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डिप्टी कमिश्नर द बेस्ट, मुझे मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि एक ऐसा ऑफिसर हमारे पास है। ये फिल्म आप प्लीज देखिए और इस फिल्म को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए। इस फिल्म में ये दिखाया गया है कि करीब करीब 20 से 30% सागर की मछलियां प्लास्टिक खा के मर रही हैं। वेल मछली का ऑपरेशन किया गया मरी हुई का, उसमें से इंसान के कपड़े निकले, उसमें से प्लास्टिक निकले, उसमें से ऐसी कई ऐसी चीजें हैं जो हम पूजा सामग्री की यहां फेंक देते हैं। देखिए असल भगवान इंसान में है और मैं उस भगवान का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। पूजा जरूर कीजिए लेकिन द रिवर पनपी वो पानी के इर्द गिर्द पनपी, यही पानी फिर पीने का पानी बनता है, यही पानी सब्जियों में जाता है, यही पानी हमारे जीवन का आधार है, यही पानी खेतों में जाता है और खेतों में जो सिटी हमारे पेट में फ्लोराइड आर्सेनिक पानी में से फ्लोराइड आर्सेनिक कितना टॉक्सिक फ्लोराइड के साथ साथ बैक्टीरिया है, पेसिली बैक्टीरिया जो मतलब घातक सिद्ध होता है। तो ऐसे यूरेनियम अमृतसर में जो स्टडी हुई है उसमें यह भी दर्शाया गया कि यूरेनियम के जो अंश है वो पानी में से मिले। ट्यूबवेल जो 250 फुट तक जाना चाहिए वो 50-50 फुट तक पैसे बचाने के लिए लोगों ने लगाए हैं, बैठ गए लेकिन जब 50 फुट से पानी आता है तो उतना ही अशुद्ध होता है। मैं आपको ये फिल्म दिखा रहा हूं डीसी साहब के जरिए। डीसी साहब प्लीज ये फिल्म दिखाओ जरा। दिस इज इन द फिलीपींस एंड इट शोज हाउ फिश आर डाइंग। जिम्मेवार हम हैं और 17 की मौत हुई थी वो मोलासिस की वजह से हुई थी क्योंकि पानी में बीओडी का कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उसका और कोई कारण नहीं था, कोई पेस्टिसाइड नहीं था, कोई कुछ नहीं है और सरकार ने कड़ा रवैया अख्तियार करते हुए 5 करोड़ का पानी छोड़ा, पानी दे नालो डिल्यूट होया और फैक्ट्री को सील कर दिया। जब डिल्यूशन पूरी होगी तो मैं पहले ही सोच रखा सीगा कि मैं आके इतने रिप्लेनिशमेंट करांगा और मैं धन्यवाद करदा सरदार बलबीर सिंह सिद्धू जी का जिन्होंने मैं बड़ी देर का कह रहा सीगा राजा सांसी दे कोल ये मच्छी पालन का काम चलता है। उन्होंने सानू उन्होंने हमें करीब करीब 2000 बड़ी मछलियां दी जिसे हम फिंगरलिंग कहते हैं और बाकी 8000 छोटी पौध जो है और ये इंडियन कार्प की वैरायटी है क्योंकि अगर हम कार्निवोरस मच्छी यहाँ पे डाल देंगे तो वो सबको खा जाएगी। सो द इंडियन कार्प वैरायटीज ऑफ रोहू मराख ते कतला, रोहू मराख ते कतला ये इंडियन कार्प दिया वैरायटीज ने मैं 2 हफ्ते बाद फिर आके यही रिप्लेनिशमेंट करांगा। तो मैं उन्होंने भी कहा इतने ब्यास दे विच असीं छड़ांगे। ये दरिया है जो बिल्कुल साफ है, ये बिल्कुल साफ दरिया है। असी एक मैसेज दईए कि भाई पूजा जरूर करो लेकिन ये प्लास्टिक ना सिटो, ये गंदगी ना सिटो। यू नो ये साड़ी लाइफ लाइन है, ये पानी मुड़ के तुहाडे पेटां च जाना है
ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਕਣਕ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ। 55% ਆਫ ਦੀ ਮੈਂਡੇਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਆਰ ਬੀਂਗ ਡਿਸਟਰੋਇਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਵਾਟਰ ਬੋਰਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਡੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਮੈਂਡੇ। 55% ਆਫ ਦੀ ਮੈਂਡੇਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਆਰ ਬੀਂਗ ਡਿਸਟਰੋਇਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਿਸ।